नमस्कार, सीनियर कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी। तो चलिए आज हम बनाते हैं मैंगो फ्रूटी। घर में ही बहुत आसानी तरीके से बन जाती है फ्रूटी। बनाने के लिए मैंने ऐसे इस तरीके के दो आम लिए हैं, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। और किसी मैंगो एक मैंगो के हिसाब से आधा आम हमने कच्चा लिया है, उसकी भी हमने प्यूरी बना ली है। और उसमें डालने के लिए चीनी का यूज़ करेंगे हम। तो चीनी हमने आधा कटोरी लिया है। अभी हमारे पे डिपेंड है कि हमारा आम कितना पक खट्टा है और मीठा है, उसी हिसाब से हम चीनी डालेंगे। तो चलिए आज हम घर पे ही मैंगो फ्रूटी बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। गैस जलाएंगे, ऐसा मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये प्यूरी बना रखी है, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से हम पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, इसको आराम से आपको पकाना है। इसमें हमने मैंगो का कच्चा प्यूरी जो था वो भी, और जो पके हुए आम का प्यूरी था वो भी डाल के हम अच्छे से इसको अभी पकाएंगे। फिर जब ये आधा पक जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे अलग से एक कप पानी, क्योंकि इसमें चीनी भी जाएगा तो इसमें अच्छे से पकाने के लिए चाहिए। इसमें बुलबुले अच्छे से आने लगे हैं, अभी हमारा पकने लगा है। इसमें जितना भी गांठे हैं अपने आप छट जाएगा, और जो हमारा ग्रेवी है वो अच्छे से पकेगा। बिल्कुल धीमे मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है आपको। अब इसमें हम जो चीनी लिया था वो डाल देंगे। थोड़ा हमारा आम खट्टा ही था इसलिए हम चीनी ज़्यादा यूज़ करेंगे। बाकी आप चेक करने के बाद आप इसमें कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। इसको अच्छे से अब हम पकने देंगे, जब तक इसमें शाइनिंग ना आ जाए तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए इसमें कितना अच्छा खद्दा आ गया है। अब बिल्कुल ये आप इसको स्लो कर दीजिए गैस को, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जब आप ये बन जाएगा तो चम्मच पे आप जब इसको लेंगे तो बिल्कुल आर पार दिखने लगेगा ये। और ये हमारा बिल्कुल जो ग्रेवी हम बना रहे हैं फ्रूटी की, ये बिल्कुल बन के तैयार है कम्प्लीट। अब अगर आप इसको लंबे टाइम तक, अगर एक हफ्ते तक का रखना चाहते हैं, तब इसमें आप थोड़ा सा 2 चम्मच विनेगर आप डाल दीजिए, और उसके बाद ठंडा करके और इसको छान लीजिएगा, जो इसमें गांठे हैं ना वो निकल जाएगा। और इसको छान के उसके बाद आप किसी भी कंच के बोतल में एक हफ्ते के लिए स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं। और किसी भी गेस्ट आने पे आप इसको पहले से ही बना के रख लीजिए, और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अब हमें मुझे इसे तुरंत पीना है तो इसलिए मैं इसमें विनेगर नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें विनेगर डाल के दिखा देती हूँ कैसे पड़ेगा इसमें विनेगर। देखिए मैं 1 चम्मच विनेगर इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखना है तो आप 1 ही चम्मच का यूज़ कीजिए। उसको थोड़ा सा पका दीजिए, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। अब इसको हम ठंडा करके, ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्के गुनगुने में ही हम इसको छान लेंगे आप किसी बर्तन में। उसके बाद हम इसको पीने के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें फिर हम और पानी मिला लेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा है। जब हम इसको पियेंगे तब इसमें ठंडा करके छान के इसमें पानी जितना आपको यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से जितना होता है फ्रूटी का ग्रेवी उसी हिसाब से आप इसको पतला कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे आपको इसको ठंडा करके। अब गैस को करेंगे बंद, फुल आर पार ये जो चम्मच है वो दिखेगा आपको। अब ये गांठे हैं जब हम छान देंगे तो ये निकल जाएंगी सारी। इसे 1 गिलास ठंडा पानी डाला है, अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब ये मेरा ठंडा हो गया है। बर्फ़ इस टाइम बर्फ़ का मौसम नहीं है, इसलिए बर्फ़ बिल्कुल भी पीने की कोशिश ना करें, खाली ठंडे पानी का ही थोड़ा बहुत यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने ठंडा पानी डाल के इसको 1 गिलास अभी ठंडा हो गया है, अब बिल्कुल ग्रेवी पीने लायक हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल इतना पानी हमें चाहिए पतला, इतना ही हमने कर रखा है इसको। देखिए
बिल्कुल फ्रूटी की तरह। अब मैं इसको छन्नी में छान लूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे किया जाएगा। इसको डाल के छन्नी से छानना है ताकि इसमें से गांठें निकल जाए। हल्की फुल्की गांठें होती हैं जो मुंह में नहीं आए, नहीं तो आप इसको अगर पीना चाहें तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो मैंगो का ही गांठ इसमें जो पड़ी हुई है। पर परफेक्ट लेना है रोटी तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, छान के ही लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको छान लेते हैं। देखिए हमारा ये मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हो गया, और कितने आसानी से बनके घर पे ही हम बना के पी सकते हैं इसे। और बस सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब इसको आप बनाएंगे तो गैस पे बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको जब आप इसमें उबाल आने लगेगा तो इसको चलाते ही रहना है आपको, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएंगी, फिर बिल्कुल भी आपकी फ्रूटी जूस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब पीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो लीजिए हमारा मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हो गया, अब पीजिए और इन्जॉय कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।